नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अब बस दो सुपरस्टार बचे हैं जो पुराने हैं और लोकप्रिय हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों की हालत तो इतनी खराब है कि डायरेक्टर पूरी तरीके से निर्भर हैं सब्सिडी पे। अगर मिल गया तो ठीक ठाक पैसा आ जाएगा, वरना भोजपुरी के वो डायरेक्टर बर्बाद हो जाएंगे। यही नहीं, सिंगल स्क्रीन सिनेमा जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में लगती है वो भी लगातार तोड़े जा रहे हैं और बड़ा बड़ा मल्टीप्लेक्स बनाया जा रहा है जहां पे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कभी लगती नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री अब बस एक एल्बम इंडस्ट्री बन के रह गई है जहां पे लोग आते हैं, गाना गाते हैं, पैसा कमाते हैं, बात खत्म। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग इस बात को कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अब अपने पतन के कगार पे है, यानी कि कुछ ही दिन में ये इंडस्ट्री खत्म हो जाने वाली है। दोस्तों, ये सवाल तो उठता है ना कि आखिर क्या हो गया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को, आखिर कहां गलती हो गई, कहां चूक रह गई और इसको कैसे फिर से रिवाइव किया जा सकता है। आइए इस वीडियो में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा किसी फिल्म का रिकॉर्ड नहीं है पूरे दुनिया में कि पायल सिनेमा भिवंडी में वो फिल्म लगी थी और 28 या 28 शो हाउसफुल थी। ऐसे ही पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि राजपूत में कोई दूसरा जो है ना सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। खेसारी लाल यादव नहीं चाहते हैं कि कोई यादव समाज में जो है ना दूसरा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में आए। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको हम एक बहुत ही अच्छा बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जिसका नाम है सीक्रेट डोर टू सक्सेस, जिसको आप कुकू एफएम पे ऑडियो बुक सुन सकते हैं। यही नहीं, कुकू एफएम पे आपको मिलेगा 3000 से ज़्यादा ऑडियो बुक और 1000 से ज़्यादा कॉन्टेंट लाइब्रेरी भी वहाँ मौजूद है। आमतौर पर इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत 399 रुपया है, लेकिन आप अगर हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं RSM50 तो ये आपको 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा, जो कि कीमत हो जाएगी 200 रुपया। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और फट से डाउनलोड कर लीजिए और मस्त मस्त किताबें सुनिए। अब आइए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, किसी भी काम में जरूरी है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इंसान में जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वो काम करके और अपने कॉन्टेंट को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉलीवुड की फिल्में पहले कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी और हाल ही में रिलीज हुआ ट्रेलर कुछ इतना ज्यादा अव्वल नंबर का था। उसी तरीके से साउथ की फिल्में देखिए कि किस तरीके से इसमें एक्शन सीन कुछ ऐसे किया जाता था, लेकिन अब का एक्शन सीन पूरा तहलका मचा के रख दिया है। इन लोगों ने यहाँ से सुधार किया और आज इस लेवल तक की फिल्में बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको भोजपुरी वर्जन दिखाते हैं। ये है मनोज तिवारी, जो कि पहले कुछ इस तरीके की फिल्में बनाते थे। वैसे ही जैसे बॉलीवुड और साउथ वाले बनाते थे वैसे ही मनोज तिवारी ही बनाते थे, लेकिन आज वो ऐसा बनाते हैं, लेकिन मनोज तिवारी कुछ ऐसा काम करते हैं, मतलब मनोज तिवारी भी नेता बन चुके हैं। एक्टिंग में लोहा मनवाने वाले रवि किशन आज अपने काबिलियत के दम पे बड़े बड़े साउथ के सुपरस्टारों को टक्कर दे सकते थे, लेकिन टक्कर तो देना छोड़िए, आज किसी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक काम के नहीं है। ये गोरखपुर के सांसद हैं और अपना दांव राजनीतिक में आजमा रहे हैं। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ। जुबली स्टार इनका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये सारी फिल्में जुबली ले के जाते थे, मतलब इनके फिल्मों पे बहुत ज्यादा व्यूज आता था और इतना व्यूज किसी के फिल्म में पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था। वो सुपर स्टार थे दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन वो भी आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं और वो भी आज आजमगढ़ के सांसद बन गए हैं। दोस्तों, इन तीन के अलावा भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बथेरे लोग हैं जो बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा भोजपुरी के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरा देखिए कि बॉलीवुड, साउथ और तमाम जैसे जितने भी इंडस्ट्रियां हैं वहां पे एक सुपरस्टार के पास कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो नए नए कलाकारों की उम्र जो है वो 20 से 25 साल है, मतलब जितना का एक्सपीरियंस लेके वो लोग बैठे हुए हैं उतने के तो ये लोग खुद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना ज़्यादा बड़े झंडे गाड़ सकते हैं। और बात करें अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे काबिल कलाकार की, तो वो भी 2010-11 के बाद ही आए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको फिल्म इंडस्ट्री की उतनी जानकारी कहाँ से होगी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग मुकाम पर लेके जा सके। दोस्तों, और जगह के सुपरस्टार भी नेतागिरी करने जाते हैं, लेकिन सभी सुपरस्टार नहीं जाते हैं। जो मेन मेन कलाकार होते हैं वो कभी नहीं जाते हैं नेतागिरी करने, वही लोग जाते हैं नेतागिरी करने जिनका इंडस्ट्री में कोई उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है, बस नाम रहता है, वो लोग नेतागिरी करने जाते हैं और खूब ज़्यादा नाम कमाते हैं। लेकिन अगर बात अपने भोजपुरी की करें तो वो सभी मेन कलाकार ही चले जाते हैं जिससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का विकास ही नहीं हो पाता है। लेकिन सवाल तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये भोजपुरी के सुपरस्टार ही क्यों चले जाते हैं अपने इंडस्ट्री को छोड़ के। तो दोस्तों, मैं आपको बता दें, करियर ऑप्शन भोजपुरी के कलाकारों को करियर ऑप्शन भोजपुरी लगता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि जिसके पास काबिलियत होता है भोजपुरी को बदल देने की, भोजपुरी में कुछ अच्छा करने की, उनको कोई पूछता नहीं है क्योंकि ऑडियंस इतनी जागरूक ही नहीं है, वो अच्छे कामों को सपोर्ट ही नहीं करती है। जैसे दिनेश लाल यादव ने रहुआ अगर कोई गाना गाएं
तो आप लोग जातिवाद की वजह से उनको डुबा दीजिएगा, या फिर रवि किशन कितनों अच्छा एक्टिंग कर दें तो आप लोगों को वो पसंद ही नहीं आएगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप इस गाने के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें भोजपुरी के सभी सुपरस्टार खूब मेहनत किए हैं लेकिन इस पे व्यूज कितना है, 4 मिलियन। लेकिन अगर आज कोई गाना गाता है ढोड़ी जनी छील दो तो उस पे हजारों करोड़ों लोग कमेंट और प्रतिक्रिया देते हैं और मिलियन का आंकड़ा तो समझिए 500-600 मिलियन का आंकड़ा पार कर जाता है। तो सुपरस्टारों को लगता है कि करियर ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है और वो लोग पलायन कर जाते हैं सुपरस्टारिता को छोड़ के नेता बनने जिनमें उनको खूब ज्यादा करियर ऑप्शन दिखता है और खूब ज्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों मेरी राय में यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव किया जा सकता है और फिर से इसको बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहला और बेस्ट तरीका है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों को सबक सिखाना। जैसे कोई भी सुपरस्टार हो, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, वो लोगों को आप क्यों पसंद करते हैं, मतलब क्यों अच्छे लगते हैं, वो एक्टिंग के वजह से, गाने के वजह से, इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है ना। तो आप प्यार भी उनको उस वजह से ही करें। अगर कोई सुपरस्टार नेतागिरी करने आता है, चाहे वो कोई हो, तो आप उनको बिल्कुल भी वोट ना दें, उनको ऐसा रियलाइज करा दें कि आप हमारे दिल में रहते हैं और इंडस्ट्री के शान हैं और हम आपको इंडस्ट्री में ही इतना प्यार दे देंगे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है नेता बनने की। दोस्तों जितने भी बचे हुए बड़े सुपरस्टार हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा गाने गा चुके हैं, उनको गाना पे थोड़ा कम ध्यान देके फिल्मों पे सुधार करना चाहिए। अब देखिए फिल्में पे सुधार कैसे किया जा सकता है और कैसे भोजपुरी में बदलाव किया जा सकता है फिल्मों के मामले में, वो हम आपको बताते हैं। वो हो सकता है साउथ इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करके, जैसे साउथ इंडस्ट्री के साथ मिलके एक बहुत ही तगड़ा भोजपुरी फिल्म बनाना। जैसे अभी क्या हो रहा है, साउथ की फिल्में बहुत ज्यादा चल रही हैं, लोकप्रिय बहुत ज्यादा हो रही हैं, वो किसके वजह से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहानी और उसमें हीरो के वजह से। अब अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग साउथ के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और साउथ के राइटर से भोजपुरी के स्टोरी लिखवाते हैं और उसको फिर भोजपुरी के राइटर से कन्वर्ट करा लेते हैं, भोजपुरी गाने उसमें ऐड करते हैं, लेकिन एक्टिंग जो है, जितने भी प्रोडक्शन हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वो साउथ के लोग ही आके करेंगे, लेकिन फर्क बस इतना रहेगा कि यहाँ भोजपुरी के सुपरस्टार उसमें काम करेंगे, मतलब डायरेक्शन, प्रोडक्शन और स्टोरी जो है वो साउथ वाली रहेगी लेकिन एक्टिंग जो है वो भोजपुरी वाली रहेगी, जिससे भोजपुरी की फिल्में भी बहुत ज़्यादा तगड़ी बनेगी और भोजपुरी का फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में लग पाएगा। 2-4-5-10 फिल्म रिलीज करने के बाद जब लोगों को पता चल जाएगा कि ये फिल्में बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है भोजपुरी की भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जनता को समझना चाहिए कि आपको अच्छे कामों को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे हो पाएगा सक्सेसफुल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री।